आज हम सीखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को कैसे रीसेट कर सकते हैं। जो बायोस में अगर आपने पासवर्ड लगा दिया है या फिर आप भूल गए, तो कैसे उसे रीसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लेता हूँ और बायोस में जाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर लिया, और रीस्टार्ट कर ले थोड़ा देर टाइम लगेगा, उसके बाद क्या होगा, रीस्टार्ट होगा। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूसली अपने स्क्रीन पर देखते रहना है, और स्क्रीन के जो लेफ़्ट साइड में आपको कुछ डिस्प्ले पे दिखाएगा, जिसको क्या करना है, वही बटन को आपको प्रेस करना है। तो मेरा एस्केप दिखाता है, तो मैं अपने पहले से एस्केप बटन पे हाथ रख के रखा था और प्रेस कर दिया। अब क्या है कि मेरा बायोस खुल गया, और बायोस खुलने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा। उसमें आपको क्या करना है कि मुझे बायोस सेटअप खोलना है। बायोस सेटअप के अंदर ही क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड लगा होता है। तो बायोस सेटअप के लिए मुझे F10 प्रेस करना होगा, और F10 प्रेस करने के साथ साथ मुझे ये दिखाता है कि एंटर एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड, जो कि या तो मैं तो भूल चुका हूँ या फिर मैंने कभी लगाया ही नहीं था। ठीक है, तो अगर आप भी भूल चुके हैं या फिर मैन्युफैक्चरर ने कोई पासवर्ड दिया था लेकिन आपके पास वो बुक नहीं है, गाइड वाला बुक, तो आप कैसे इसको रीसेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इनवैलिड पासवर्ड 3-4 बार ट्राई करना है, जब तक कि आपको एक एरर कोड ना मिल जाए। तो मैंने 3-4 बार ट्राई करने के बाद मुझे सिस्टम डिसेबल का एक वार्निंग आया और नीचे एक कोड मिला। मैं इसको क्या करना है, आपको नोट डाउन करना है, इस कोड को आपको लिख लेना है। तो आगे का प्रोसेस मैं स्क्रीन पे लैपटॉप की स्क्रीन से बताता हूँ। लिखने के बाद या फिर कहीं पे कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको किसी लैपटॉप या फिर किसी मोबाइल में आपको अपने ब्राउजर को खोलना है, और ब्राउजर को खोलने के बाद आप सर्च बॉक्स में आपको लिखना है बायोस बग। बायोस बग लिखने के बाद आपको सबसे पहले में ही एक मिल जाएगा www.biosbug.com, इसमें आपको क्लिक करना है। और आपका जिस कंपनी का भी लैपटॉप है, मान लीजिए आपके पास आसूस का है या फिर सोनी का है, एसर का है, सैमसंग का है, तो जो भी है, तो अगर आपके पास HP का लैपटॉप है तो आप यहां से लेगेसी बायोस अनलॉक में जाके क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा HP 8-digit BIOS unlock। मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं HP वाले पे क्लिक कर रहा हूँ। आपका जो होगा वहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है इस वेबसाइट में ही, और यहाँ पे एक बॉक्स मिलेगा जहाँ पे 8-digit only लिखा हुआ है। उसमें आपको क्या करना है, जो आपको बायोस से जो एरर कोड मिला था उसे आपको यहाँ पे टाइप करना है, पहले लेटर छोड़ के। पहला लेटर वहाँ पे टाइप नहीं करना है, पहला लेटर I होता है वो ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट होता है, तो उसको आपको टाइप नहीं करना है। जो लास्ट का जो 8 डिजिट बचेगा, क्योंकि सिर्फ नंबर वाले पार्ट को आपको यहाँ पे टाइप करना है। तो मैंने वहाँ से जो रिसोर्स कोड था उसको मैंने एक फ़ोटो क्लिक करके रखा था, तो मैं वहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ पे 2-8-3-11-5-6-7। तो आपको भी इसी तरह से अपना कोड को लिख देना है, और यहाँ से सेंड रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये थोड़ा देर लोड लेगा, उसके बाद आपको बायोस को इस नंबर को डिकोड करके आपको बायोस का एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड बताएगा। तो यहाँ पे देख ली, पहला डिजिट बता दिया, सेकंड इसी तरह से इन डिजिट्स को बताते जाएगा। तो आप इसको जब तक ये डिजिट्स कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक आपको यहाँ पे वेट करना है। और ये जो नंबर होगा वही आपका बायोस एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होगा। एक्चुअली ये क्या करता है कि ये जो एरर कोड है उसको क्या करता है, डिकोड करता है, और बायोस के लिए एक न्यू पासवर्ड जनरेट करता है जो एग्जैक्टली उसके साथ मैच करता है, और आपका एडमिनिस्ट्रेटर पैनल खुल जाता है। तो यहाँ से मैंने इस नंबर को वापस से मैं एक फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, या फिर इसको कहीं पे नोट डाउन कर लेता हूँ। आप भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिए, मैं फ़ोटो ही क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से आपको लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है। तो मैं फिर से रीस्टार्ट कर लेता हूँ। रिस्टार्ट करने के साथ साथ जैसे स्क्रीन पे वो रिस्टार्ट के बाद बायोस जाने के लिए जो बटन पे आपको शो करेगा उसको आपको प्रेस करना है। तो ये हो गया रिस्टार्ट, और यहाँ पे एक बटन प्रेस करने के लिए बोल रहा है जो है एस्केप। तो मैं एस्केप बटन को प्रेस कर लेता हूँ, और यहाँ पे वापस से मैं बायोस के अंदर आ गया। बायोस में आने के बाद आपको फिर से वही सारे ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड आपको मांगा था। मैं वापस से बायोस सेटअप की तरफ जाता हूँ। तो बायोस सेटअप के लिए मुझे F10 प्रेस करना होगा, तो मैं F10 प्रेस करता हूँ। F10 प्रेस करने के बाद वापस से आपको एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगा जाएगा। तो आपने जो वहाँ से बायोस बग से आपको जो पासवर्ड मिला है उसे आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मेरे को पासवर्ड जो मिला था वो है 3707-9569। तो ये मैंने अपने जो पासवर्ड बायोस बग से मिला था मैंने उसको यहाँ पे टाइप कर दिया है,
और उसके बाद क्या करना है आपको एंटर पे प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है। तो मैं एंटर प्रेस कर देता हूँ। एंटर प्रेस करने के बाद ये देखिए बायोस यानी कि पासवर्ड काम कर गया और ये क्या हो गया कि आप एडमिनिस्ट्रेटर पैनल को खोल पा रहे हैं और देख पा रहे हैं अंदर पे। तो इस तरह से आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं।